नमस्कार, मैं रोशनी। हमारे साथ मौजूद हैं पटना के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बाकी। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं और राजनीति के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहला सवाल हमारा यह है कि छपरा में हुए घटना के बारे में आप क्या बता सकते हैं, इसका क्या चुनाव पे असर पड़ेगा? देखिए, कोई एक घटना चुनाव पे बहुत असर नहीं डालती है, कई घटनाएं मिल करके चुनाव को प्रभावित करती हैं। और जब तक चुनाव होगा तब तक छपरा की घटना काफ़ी विस्मृत हो चुकी होगी लोगों के जहन से, और तब तक कई और घटनाएं हो चुकी होंगी, क्योंकि बिहार जो है वो घटनाओं का प्रदेश है और लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ घटती रहती हैं। तो ये अब उसमें ये है कि कितना विपक्ष जो है कितना उसको मुद्दा बना सकता है ऐसी घटनाओं को, वो असर डालेगा। और चुनाव के समय अगर सरकार ने कुछ बहुत बढ़िया कदम उठा लिया या विपक्ष ने कोई ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसमें सरकार असहज हो जाए, तो वो ज़्यादा असर डालेगा। चुनाव में अभी समय है, इसलिए हमको नहीं लगता है कि छपरा का मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा चुनाव को। ज़्यादा सर ने आपको बताया है कि छपरा का कुछ मुद्दा या छपरा जैसे मुद्दे चुनाव में प्रभावित नहीं कर सकते हैं। और आइए इनसे दूसरा सवाल हमारा यह है कि 2025 में क्या आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? संभावना तो है, मगर अभी निश्चित तौर पे कुछ भी कहना कठिन है, क्योंकि राजनीति में अभी चुनाव के पहले बहुत उथल पुथल होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से अभियान छेड़े हुए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ, तो उनके साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जदयू के भी और जदयू से बाहर के लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि जदयू में टूट होगी, आरजेडी में भी टूट होगी। फिर चुनाव के समय आमतौर पर पार्टियों में जिनको टिकट नहीं मिलता है वो इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते हैं। तो चुनाव के पहले हमको लगता है कि बिहार में एक नए सिरे से राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा, इसलिए उसमें किसके हाथ सत्ता की कुर्सी आएगी ये कहना अभी मुश्किल है। हालांकि तेजस्वी यादव की स्थिति जरूर बेहतर है, और जो मुख्य मुकाबला होगा उसके केंद्र में तो तेजस्वी यादव रहेंगे ही। जी सर, तो तीसरा सवाल हमारा यह है कि नीतीश, जैसे कि हम सब जानते हैं नीतीश सर उन्हीं के दल में विरोध हो रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिनों दिन नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं पार्टी के अंदर भी और बाहर भी। ये जरूर है कि तिकड़मों से वो कुर्सी पर बने हुए हैं और यही उनके खिलाफ़ जा रही है बात, और ये लोगों को लग रहा है, उनकी पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है और दूसरे लोगों को भी लग रहा है, आम पब्लिक भी ये महसूस कर रही है कि आखिर सत्ता के लिए ये क्यों बार बार पाला बदल रहे हैं और इसका अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। तो नीतीश कुमार की सीटें भी कम हो गई हैं और इसी के चलते उनको दूसरे दलों के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है। पहले बीजेपी के साथ थे, अब फिर आरजेडी के साथ चले गए, और ये देखने में भी आ रहा है और गतिविधियां भी उस तरह से सामने नज़र आ रही हैं कि वो दबाव में हैं, आरजेडी के दबाव में हैं, तेजस्वी यादव के दबाव में हैं, और सरकार पर उनका असर कम हो गया है। राजद का और तेजस्वी यादव का असर सरकार पर ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसी हालत में ये लगता है कि अगले चुनाव में वो संन्यास ले लें नीतीश कुमार, क्योंकि वो कह चुके हैं कि अब तेजस्वी को आगे बढ़ाना है। और आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में उन्होंने पूर्णिया की सभा में घोषणा भी की थी कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, तो वो हमको लगता है कि उसी दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि अब उनके लिए माहौल अनुकूल नहीं है, तो इसलिए वो एक सम्मानजनक तरीके से विदाई चाह रहे हैं राजनीति से। अच्छा। तो और कह भी चुके हैं कि अब केंद्रीय राजनीति में हम जाएंगे और वहाँ विपक्ष को गोलबंद करेंगे, तो वो एक विदाई होगी बिहार की राजनीति से उनकी, और ये नई पारी शुरू करेंगे राष्ट्रीय राजनीति में। हालांकि पहले वो रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री वगैरह रह चुके हैं, मगर मुख्य रूप से बिहार में ही वो ज़्यादा समय उन्होंने दिया है। तो इस तरह से वो एक सुरक्षित तरीके से, सम्मानजनक तरीके से बिहार की राजनीति से बाहर हो जाएंगे।